सप्तमो आदेश गुरु महाराज जी को आदेश। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा, दो शब्द योग और योगा, इन दोनों में क्या अंतर है, और दूसरे शब्दों में या दूसरी परिभाषित रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि योग और योगा में क्या परस्पर संबंध है। तो योग शब्द जो कि भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा ही योगदान मानव जाति के लिए रहा है, योग आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। हालांकि ये बहुत बड़ा एक उद्योग बन चुका है। जब योग हमारे भारतीय संस्कृति में था और जब धीरे धीरे इसका जो प्रचार प्रसार होने लगा, तो भारतीय संस्कृति का जब पाश्चात्यकरण हो गया, जब वेस्टर्नाइज हो गई, तो योग शब्द योगा का रूप ले लिया। अब इस बारे में हम विचार करें कि अंग्रेजी में बहुत सारे शब्दों को ए के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे कि रामायण रामायणा, महाभारत महाभारता, और ना जाने बहुत सारे हमारे जो महापुरुष जैसे कि प्रभु राम, उन्हें भी रामा कहा जाता है। और इस प्रकार से मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। मैं किसी भाषा विशेष का कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, ना ही किसी के विरोध में हूँ, किंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब योग हमारे सामने योगा बनकर आ गया हमारे हिंदुस्तान में वापस, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट किया, उसे मानने लगे। अन्यथा हम योग को एक ऐसा समझते थे कि ये बहुत ही पिछड़ी चीज़ है, कोई पुरानी चीज़ है, जिसको कि करना बहुत ही जटिल काम है। हालांकि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ऐसा अक्सर देखा गया है, कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञान या कोई भी शास्त्र जब हमारे पास वेस्टर्नाइज होकर के आ जाता है, तो हम बड़े अच्छे तरीके से उसकी जो है इज्जत सम्मान करना शुरू कर देते हैं। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि हर एक चीज़ का जो वैश्वीकरण ना हो। आजकल हम बहुत ऐसे परिस्थितियों में है कि एक दूसरे से हम देश भाषा और संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, तो ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण के इस दौर में अकेला अपने आप को रखना बहुत ही कठिन है। किंतु मैं इस पक्ष में हूँ कि हमें ऐसी मानसिकता से बचना चाहिए कि भाई कोई चीज़ जिस पर कि वेस्टर्नाइज या जो पश्चिमी देशों की स्टैंप लगना ही जरूरी है, हम तभी उसको मान्यता देते हैं, तभी उसका आदर सत्कार करते हैं। हमें इस मानसिकता से बचना चाहिए। और मैं इस मानसिकता का विरोध भी इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत से कारणों में ये देखा गया है कि हम जब तक हमारे समाज में कोई विद्वान रहता है, कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है, कोई अच्छा ज्ञान रहता है, हम उसकी कोई कदर नहीं करते, हम उसकी कोई वैल्यू नहीं करते। और जब यह अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज से पेटेंट होकर के हमारे सामने आ जाता है, तो हम उसी चीज़ को हम डींगे हांकने शुरू हो जाते हैं कि ये तो हमारी संस्कृति की देन है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम अपने ज्ञान को सहेज कर नहीं रखते, अपनी संस्कृति को वह मान्यता नहीं देते जैसा कि अन्य देश जैसे कि जापान, चीन व अन्य बहुत सारे चीज़ जो लोग हैं वह देते हैं। इसमें एक और मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जब भी कोई भारतीय मूल का व्यक्ति किसी देश विशेष में कोई बड़े अच्छे पद पर चला जाता है, या कोई बहुत बड़ा कोई आविष्कार कर लेता है, या कोई अच्छी अचीवमेंट ले लेता है, हम बहुत ही बड़ी बड़ी जो है अहंकार वश बातें करने लगते हैं कि भाई वो तो हमारे भारतीय मूल का व्यक्ति था, वह इतने पद पर पहुंच गया, तो हम बड़ा अहंकार पैदा करते हैं कि वह भारतीय मूल का है। पर वह व्यक्ति अगर भारत में रह करके कोई उन्नति नहीं कर पाया और बाहर जा करके उसने बहुत ही बड़ा एक मुकाम या एक स्टेज ले ली, तो इसका कारण हमारी मानसिकता है, हमारी व्यवस्थाएं हैं कि हमने उस व्यक्ति की कोई विद्वता को कोई जस्टिस नहीं किया, उसके साथ न्याय नहीं किया, इस कारणवश उसे सही अपॉर्चुनिटी या
ना मिलने के कारण मैं बाहर चला गया और उसको अपनी स्किल वहाँ पर उन्होंने डेवलप की, उसको वहाँ एक्सेप्टेंस मिली और वह बहुत बड़ी जो है चीज़ों को प्राप्त कर पाया, बहुत बड़ी पद को प्राप्त कर पाया। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है हमारे समाज की, इस गंदी और जो गुलामी भरी मानसिकता है इसको हमें जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए। इस बारे में मैं एक और बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। हालांकि कुछ जो कटाक्ष करने वाले लोग हैं वह इससे सहमत नहीं होंगे, किंतु मैं यह उदाहरण जरूर देना चाहता हूँ। हमारे देश में एक बहुत बड़े महापुरुष हुए स्वामी विवेकानंद। उनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है, उनकी विद्वता के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में और उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति के बारे में बहुत कम लोगों को सही से ज्ञान है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, वह जब शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था सन 1893 ईस्वी में, वह गए, उन्होंने अपनी जो नॉलेज है, अपनी विद्वता है, वहाँ पर उन्होंने प्रमाण दिया और उन्हें बहुत ज़्यादा सराहा गया, उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन वहाँ पर मिली। उसके बाद में हमारे देश में भी उनका बहुत आदर सत्कार किया गया, बहुत ज़्यादा उनको सम्मान दिया गया और उन्हें एक युग पुरुष की भी संज्ञा दे दी गई। पर मैं एक प्रश्न इस माध्यम से रखना चाहता हूँ कि जब वह भारत में थे, जब तक वह भारत में रहे, तो शिकागो सम्मेलन से पहले की अगर उनकी ज़िंदगी के ऊपर थोड़ा सा विचार किया जाए तो उन्हें तो खाने रोटी और अपने जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। तो यही एक बड़ी गंदी मानसिकता हमारे भारतीय और जो हिंदू समाज की रही है कि जब तक कोई विद्वान हमारे बीच में है तब तक उसकी कोई भी मान्यता, उसकी कोई भी जो है एक्सेप्टेंस नहीं है। वह बाहर जाकर कोई अच्छी चीज़ को उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो हम उसे बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त देना शुरू कर देते हैं, सम्मान देना शुरू कर देते हैं। तो यही कारण है कि हमारे जो देश में बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वह हमारे देश में रहना पसंद नहीं करते। और जैसा कि कहा जाता है कि भारत युवा लोगों का देश है, किंतु अगर युवा लोगों को सही आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, सही उनकी जो स्किल है उनको सही तरीके से उनको आप सत्कार नहीं करेंगे उन चीज़ों का, तो वह विवश होकर वह बाहर ही जाएगा। तो यही कारण हमारे योग के साथ भी हुआ। जब तक योग हमारे देश में था तब तक कोई अधिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, और अब जब योग योगा बनकर हमारे सामने प्रत्यक्ष हो गया है, जगह जगह पर हमारे योगा के जो स्कूल खुल गए हैं, योग के टीचर्स बन गए हैं और ना जाने क्या क्या किस किस तरीके से योग को एक उद्योग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल और केवल यही है कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को सही तरीके से संजो कर नहीं रख पा रहे हैं, हम केवल इसका प्रचार प्रसार ही करते हैं और जो बेस लेवल पे है, जो मौलिक रूप से है, हम उनको बिल्कुल भी मान्यता देने में असमर्थ रहते हैं। इसी कारणवश बाहर के देश हमारे ज्ञान को यूटिलाइज करके हमें ही आगे परोस दिया करते हैं। तो इसी विषय पर मैं आने वाले जो वीडियो है उस पर चर्चा करूंगा कि कैसे हमारा जो सांस्कृतिक जो प्रोपेगेंडा है अन्य देशों में भी फैलता है, किंतु जो मौलिक रूप से हम अपनी संस्कृति को सहेज कर रखते ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।